आप सब चाहते हैं ना कि बंगारी सर घर पर जल्दी आ जाए? चाहते हैं। तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना होगा। क्या करना होगा? क्या हुआ नाना? हम शांति के जन्मदिन में जाएंगे ना? हाँ। अगले महीने मेरा भी बर्थडे आने वाला है, मेरे लिए भी ऐसा फंक्शन करिए ना। पर किसी ने बताया था इस घर में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता? नाना मुझे भी मेरे फ्रेंड्स को बुलाना है। चुप कर, तू और तेरी डिमांड्स, इस घर में यही तो नहीं होता। चुप कर, बच्ची पे क्यों चिल्ला रही है? वैसे भी बर्थडे मनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ससुराल में मना लेगी, बढ़िया ही पार्टी देने वाली। पता है ना नाना जी को पार्टी शार्टी पसंद नहीं। जिद मत कर, हमारे परिवार में ये सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? सत्या दीदी का बर्थडे तो नाना जी ने मनाया था, मैंने फोटोज देखी है। तब तुम्हारे बंगारी मामा घर पर रहते थे। बस इतनी सी बात है तो हम बंगारी सर को फिर से यहाँ बुला लेते हैं। अभी? हाँ बोलिए। ससुर जी को बंगारी पसंद नहीं है, बंगारी यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा, गुरुजी का उनसे पुराना पंगा इसलिए? इस छोटी बच्ची के चेहरे की मुस्कान से बड़ा और क्या है? हम कौन सा बंगारी सर को यहाँ रहने के लिए कह रहे हैं? वो आएंगे, सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे और फिर चले जाएंगे। इसमें तो कोई धर्म संकट वाली बात भी नहीं होगी, क्यों गुरुजी? जो चीज नहीं होनी है उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? चल बेटा। मतलब आप ये साबित करना चाहती हैं कि गुरुजी बहुत पत्थर दिल हैं? हे भगवान, मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, बुला लो उसे, करने दो रसम। लेकिन वो आएंगे कैसे? मतलब बंगारी सर भी आप ही की तरह थोड़े जिद्दी है ना, आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे, वरना क्यों आएंगे? आजा। इसका वजन करके पैसे दे दो। आज कितना माल कमाया? पूरे 50,000। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा ना तो वो पुरानी हवेली है ना, उसके बाजू में नई हवेली बनाऊंगा। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे रोकना मत, देखा तूने पैसों के घर भी दिखाता मुझे, मैं नहीं रुकने वाला। हम उन्हें बनाने आए हैं ना, सब कितना खुश होंगे। उर्वी दादी जी, जरा उनकी सोचिए, उन्हें ठेस पहुंचेगी गुरुजी। तो फिर बात कर उससे जाकर। ठीक है गुरुजी, मुझे गमछा दीजिए, चेले को नहीं दे सकते, दीजिए ना। वाओ, अपना हाथ दीजिए। ए बंगारी, कौन बोला? मैं गुरुजी की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हम घर पर उर्वी की बर्थडे पार्टी रखने वाले हैं, और मामा पार्टी में ना हो तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आ जाना। और घर पर आकर कोई चौके छक्के मत मारना, चित्रा को ना देखोगे ना उससे बात करोगे, आओगे बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, चुपचाप निकल जाओगे। बात इतनी सिंपल और छोटी सी है। खाना खिलाओगे या लात मार के भगा दोगे? व्हाट गुरुजी? ओके, बर्थडे होने के बाद उर्वी को आशीर्वाद देना, पेट भर खाना खाना और चुपचाप निकल जाना, बोलो मंजूर है? ए संजय, मेरी भांजी का फंक्शन है, मेरी जगह खाना खा के आ जाना। लेकिन आइए, आ जाएगा। अरे कहानी में ट्विस्ट आई तो हो गई, तू बोल रहा उनकी तरफ से, वो आएगा मेरी तरफ से। तेरी माँ की इच्छा है कि तू वहाँ आए और मामा होने का फर्ज निभाए, उर्वी का दिल मत तोड़ना। बाइक। यही सही वक्त है, हमारी शादी की बात भी कर लो ना। दादा को हमारे बारे में पता चला तो मेरा आखिरी फंक्शन कर देंगे। ओहो, वो मारे या ना मारे, मैं मार दूंगी। हिम्मत है तो अपने दादा से कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तब जाके मानूंगी कि तुम असली हीरो हो। ये बात है, चल। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। बम्पर ऑफर। बाप रे। देखो कौन आया। बंगारी, बंगारी जी कैसे हो? सारा इंतजाम हो गया ना? हाँ ठीक है, मैं गुरुजी। गुरुजी इस बार नहीं। आ
आप सबके चेहरे क्यों इतने उतर गए हैं? शेयर बाजार में पैसा लगाया था क्या? अरे इनको फंक्शन में नहीं बुलाया ना, इसलिए बुरा मान गए और मुंह लटका के बैठ गए हैं। अरे उस फंक्शन में खाली औरतें जाती हैं, और इस घर की औरतों की तो कब की ऊपर की टिकट कट चुकी है। अरे तो क्या हुआ, ये हमारे घर के सबसे बड़े हैं, इन्हें बुलाते तो खाना कम पड़ता। आप सबको जल्दी ही एक फंक्शन का इनविटेशन आने वाला है। कौन सा फंक्शन? हॉस्पिटल, जल्दी ही हॉस्पिटल का शुभारंभ होने वाला है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। खाना और जूस फ्री में मिलेगा, वहीं जाकर अपने दिमाग का इलाज भी करवा लेना। इस बंगाली को अचानक क्या हो गया है? कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया है, हॉस्पिटल को नया बना दिया उसने। ये तो है मामा जी, अब उसकी शादी चित्रा से हो सकती है। अब फैसला तो जीजा जी ही करेंगे ना। श्रीधरा स्वाहा। जीजा जी मान गए। श्रीधरा स्वाहा। बाबा वो पूजा कर रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। राम इधर आ। गुरुजी फोन पर तेरा बाबा है ना? बाबा मेरी बात करवा उससे। सर बात करेंगे। कौन बाबा? बेटा नहीं नहीं नहीं, उनको मत देना। नहीं देना। बलराज सर को फोन दे रहा हूं। बाबू नमस्कार। नमस्ते। आप मदद नहीं करते तो मैं इस गांव का अस्पताल दोबारा नहीं खोल पाता। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। जब बेटा ऐसा हो तो बाप को जिंदगी में और क्या चाहिए? आप बहुत तकदीर वाले हैं। पता नहीं आपसे बात करते हुए मेरी आंखों से खुशी के आंसू क्यों झलक रहे हैं। दुआ करता हूं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे। लीजिए बात कीजिए। मेरा नाम तानाजी राणा है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, ठीक है ना? मैं चलता हूँ। ताना है? अंदर कौन है? लड़के वाले रिश्ते के लिए आए हैं। अरे यार चित्रा। चित्रा के लिए नहीं बाबा, सत्या को देखने आए हैं। लड़का अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर है। मिलना मिलाना तो सिर्फ बहाना है, हमारी खुशकिस्मती तो ये है कि आपके परिवार के साथ संबंध जुड़ रहा है। अमेरिका में हमारे परिवार का काफी नाम है। आपकी दुआ से ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। अगर आप चाहें तो शगुन देकर ये रिश्ता तय कर सकते हैं। आपके परिवार का नाम मैंने बहुत सुना है, हमारी सत्या सच में बहुत भाग्यशाली है। सिर्फ एक परेशानी है, आपका बेटा अमेरिका में डॉक्टर है और अपनी सत्या को इतनी नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा खुद वहाँ नहीं रहना चाहता। हम इसके लिए इंडिया में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। जी हाँ, मैंने सुना है आप यहाँ एक हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। आप कहें तो वैभव आपके इस काम में मदद कर सकता है। शादी होने के बाद ये यहीं रहकर आपके हॉस्पिटल को भी संभाल सकता है। बहुत अच्छे, मेरी तमन्ना रही है कि कोई परिवार का सदस्य अस्पताल को संभाले, मेरी तो टेंशन ही दूर हो जाएगी। रिश्ता मंजूर है। शगुन तो भाई Shut up! ये कोई फिल्म चल रही है? अपने ही लोगों की भावनाओं का गला घोट के तुम्हें यहां से भगाकर शादी करने की गलती नहीं कर सकता। Just talk sense! सालों तक मेरे बाबा वहां लंदन में तड़पते रहे, अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने परिवार को अपसेट नहीं करने वाला। नो परिवार की खुशी हमारे प्यार से ज्यादा जरूरी है सत्या। अब अगर दादा को पता चल भी जाए कि मैं कौन हूं। नहीं नहीं, नो। सालों बाद सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। भूल जाओ मुझे। मुझे किसी की परवाह नहीं है। आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू। मेरी किसी और से शादी हुई तो इस घर से मेरी अर्थ ही उठेगी। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही हूं, तुमसे सच कह रही हूं। अब फैसला तुम करो। ए, क्या कर रहे हो? आ रहे हो? खड़ा हो जा।
पे हाँ कर दिया शुरू, हटो। अरे माँ कहाँ है? चलो चलो आए माँ। रुक जा। ए माँ तेरा सुबह ठीक है कि नहीं? क्या अनर्थ कर रही है तू? फिर भी क्या आया तू? तू कब सुधरेगा? फूल कर दूंगा मैं। तेरे बाप को पता चला तो खैर नहीं, वो घर में है क्या? बुलाओ उनको। अरे पागल हो गया है, निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूं? निकल, बुलाओ उनको। निकल यहाँ से, निकल निकल, तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या कर रहे हो? सत्या की शादी हो रही, दिमाग खराब है? मुझे मंजूर नहीं है। तुम कौन होते हो मना करने वाले? वो बनते था तो पागल हो गया क्या? खुद की शादी नहीं होती तो क्या दूसरों की भी नहीं होगी? सत्य की शादी हो। मैं शादी से कहां मना कर रहा हूँ, लेकिन उस अमरीका वाले से को अच्छा है तुझसे किसी की खुशी बढ़ता है? चपड़ चपड़ कर ली तेरे को भी दूं क्या? चुप हो जा एकदम। औरतों पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती तुझे? वो लड़का लाखों में एक है, अमेरिका में डॉक्टर है, वो गाँव का हॉस्पिटल भी चलाए। गाँव का हॉस्पिटल सिर्फ इसकी वजह से शुरू कर पाए? अगर वो अमेरिका से है तो ये लंदन से है, इससे करवाओ, ये सत्या के लिए फिट है। चुप कर, दिमाग तो ठीक है तेरा? जो मुंह में आया बके जा रहा है, हमारे परिवार के बीच से क्यों ला रहा है? परिवार जानती है कौन है? चाचा नहीं, मत बोलना प्लीज, आप नहीं जानते क्या कह रहे हैं। चाचा बोले बंगाली चाचा मेरे को आप सब कुछ बिगाड़ कर रहे हैं। प्लीज छोटी टीवी ला, सत्या इसमें से फोटो निकाल, देख देख सब मालूम पड़ेगा। प्लीज अरे डोंट ओपन इट, इंदु इंदु कैप्टन सत्या संभाल, सत्या डोंट ओपन इट प्लीज प्लीज सत्या स्टॉप इट, बंगाली चाचा मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। सत्या सत्या रुक जाओ, जल्दी कर जल्दी कर, कुछ खत्म हो जाएगा। सत्या प्लीज, बंगाली चाचा ऐसा मत कीजिए, दादाजी को पता चल गया क्या बीतेगी। सत्या डोंट ओपन इट प्लीज, सत्या नो। बंगाली चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे जाने दीजिए, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सत्या प्लीज प्लीज, सत्या रुक जाओ प्लीज प्लीज, ऐसा मत करो, यू कांट डू दिस सत्या प्लीज। सत्या मेरे पास। क्या हुआ माँ? तेरे बाबा को पता नहीं चलना चाहिए, हम उनसे कैसे छुपाएंगे? मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ।